हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नोट्स रेडी हैं आपके पास। आप जब भी चाहें नोट्स हमसे परचेस कर सकते हैं, और उन्हीं नोट्स से मैं आपको अभी स्टडी करवा रहा हूँ, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। अभी हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। तो ऑफिसेस कितने तरह की होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑफिसेस, तो ऑफिसेस देखो बहुत तरह की होती हैं, ठीक है ना। ऑफिसेस कम इन डिफरेंट शेप्स, साइज, क्लासेस। वन मे चूज द टाइप ऑफ ऑफिस दैट मे सूट द स्पेसिफिक नीड्स। द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिसेस आर डिस्कस्ड इन टुडे की कवरेज करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल ऑफिस। ट्रेडिशनल ऑफिस किसे बोलेंगे? एन ऑफिस इज आइडियल इफ द बिजनेस इज इंडल्ज इन फाइनेंशियल सर्विसेज, हेज फंड्स, लॉ फर्म्स और सिमिलर, है ना। तो कोई एक सपोज आपकी जो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी होती है वो होती है फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। आप फंड्स को हेज करते हो, या फिर किसी भी तरह का आपका लॉ फर्म है, या फिर उसी तरह का कोई सिमिलर फर्म है, तो उस केस के लिए ट्रेडिशनल फर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेडिशनल ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। द ट्रेडिशनल और क्लासिक ऑफिस लेआउट इंक्लूड्स अ रिसेप्शन, बोर्ड रूम, प्राइवेट ऑफिसेस एंड गिव्स क्वाइट एंड प्राइवेट एरियाज दैट हेल्प एम्प्लॉइज वर्क एंड कंजर्व विद द क्लाइंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ऑफिस होगा वहाँ पे क्या क्या होगा, उसके लेआउट में एक रिसेप्शन होगा, एक बोर्ड रूम होगा जहाँ पे लोग डिस्कस करेंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, यू नो, एक प्राइवेट ऑफिस होगा आपका, और वहाँ पे प्राइवेट एरियाज भी बहुत सारे बने हुए होंगे जहाँ पे आप क्लाइंट्स के साथ बैठ करके इत्मीनान से बातचीत कर सकते हो। जब भी आप किसी बैंक में जाओगे तो देखना, आप अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछोगे तो वो आप लोग एक साइड में एक जगह पे ले जा करके आपको आपके साथ पूरी डिस्कशन करते हैं, राइट। मैं प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बैंक में ऐसा नहीं होता, बट प्राइवेट बैंक्स में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उनके लिए ट्रेडिशनल ऑफिसेज सही होती है। अगला है क्रिएटिव ऑफिस। अब क्रिएटिव ऑफिस की आवश्यकता किसको पड़ेगी? नाउ इफ फोकसेस ऑन टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूअर बैरियर्स एंड मोर ट्रांसपेरेंसी, है ना। अगर आपका जो फोकस है वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे है, उसके ऊपर आपका जो है क्रिएटिव ऑफिस का असर होता है, और इसमें एक तरीके से फ्यू बैरियर्स होते हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं चीजें। क्रिएटिव ऑफिस में ना बीच में बैरियर्स वगैरह नहीं होंगी। आपको अगर किसी से बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो बहुत ही आसानी से सिंपली वे में कर सकते हो। क्रिएटिव ऑफिसेज आर मोर पॉपुलर इन स्टार्टअप कंपनीज। क्रिएटिव ऑफिसेज स्टार्टअप कंपनीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, क्योंकि आपको सेंट्रल पॉइंट में बैठ करके सबको ऑर्गेनाइज करना होता है, सबको कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए बीच में अगर बैरियर होगा तो आपको कम्युनिकेशन में टाइम लगेगा, है ना। तो वो चीज यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए स्टार्टअप कंपनीज के लिए क्रिएटिव ऑफिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए वही सूटेबल होता है। क्रिएटिव एजेंसीज अगर कोई होती है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती है, फिर अदर्स, इन सब के लिए क्रिएटिव ऑफिस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दे आर ऑल्सो स्पेस एफिशियंट एंड एम्प्लॉइज कैन बी फिटेड इन टेबल्स रादर देन क्यूबिकल्स, है ना। तो ये बहुत ही स्पेस एफिशिएंट होता है, और यहाँ पे आप यू नो अपने एम्प्लॉइज को टेबल पे भी बिठा सकते हो इंस्टेड ऑफ क्यूबिकल्स। क्यूबिकल्स मतलब एक जो क्यूबिक आकार का एक जगह होता है जहाँ पे आपका अपना पर्सनल डेस्क होगा, कंप्यूटर होगा, उसको हम क्यूबिकल्स बोलते हैं। तो क्यूबिकल्स छोड़ के भी अगर आप टेबल भी बिछा दोगे तो उसके लिए भी क्रिएटिव ऑफिसेज वहाँ पे एक तरीके से बन जाएंगी, तो उसको हम क्रिएटिव ऑफिस बोलेंगे। नाउ प्राइवेट ऑफिस। प्राइवेट ऑफिस क्या होगी? सो इट इज रेंटेड टू अ इंडिविजुअल एंटिटी विच कम्स इन ऑल साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 1% to 100, है ना। प्राइवेट ऑफिसेज देखो, अब यहाँ पे जो कैपेसिटी है लोगों की वो 1 से लेकर 100 तक भी हो सकती है। तो जो उसका साइज है वो डिपेंड करता है कि कितने लोग आप एक टाइम पे यू नो वहाँ पे होते हैं या आते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉकेबल रूम विच इज लोकेटेड विद इन अ शेयर्ड ऑफिस फैसिलिटी, है ना। तो एक शेयर्ड ऑफिस फैसिलिटी के अंदर ही कोई प्राइवेट ऑफिस होता है, और ये एक लॉकेबल रूम होता है जिसको आप लॉक कर सकते हो, जो कि आपका प्राइवेट ऑफिस होगा। जैसे सपोज एक ऑफिस है, उसमें आपका एक प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट रूम है, जहाँ पे आप यू नो अपने रिलेटेड वर्क जो है आप वो करते हो, तो हम उसको प्राइवेट ऑफिस बोलेंगे। अब उसकी अकोमोडिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितने ज्यादा लोग आप चाहोगे कि वहाँ पे आए एट अ टाइम, आप उसके हिसाब से अपने साइज को आप चूज कर सकते हो, राइट। इट प्रोवाइड्स अ क्वाइट सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल स्पेस टू वर्क एंड अलाउज वन टू ज्वाइन इन द वाइडर स्पेस, सॉरी प्रोफेशनल कम्युनिकेटिंग, है ना। तो ये एक तरीके से क्वाइट और सिक्योर प्लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला ही जा रहा है प्राइवेट ऑफिस, है ना। तो प्राइवेट में सारी चीजें प्राइवेट होंगी, क्वाइट होंगी, सिक्योर होंगी, कॉन्फिडेंशियल होंगी सारी की सारी चीजें। और यहाँ पे एक जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है, आप उनके साथ जुड़ सकते हो जो कि सिर्फ उसी काम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट ऑफिस। अगला है कोवर्किंग ऑफिस। तो कोवर्किंग ऑफिस क्या होगा? इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड फेवर टाइप्स ऑफ ऑफिसेज व्हिच अलाउज वन टू वर्क अलोंगसाइड अदर बिजनेस इन ओपन कम्युनल ऑफिस, है ना। तो ओपन कम्युनल ऑफिस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ओपन ऑफिस है जहाँ पे कोई भी आकर के बैठ करके यू नो शेयर्ड रूम
आपका होगा, एक ही रूम में दो तीन बिजनेसेस आपस में साथ में चल सकती हैं, उसको हम बोलेंगे कोवर्किंग ऑफिसेस, है ना। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, फेवर्ड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, शेयर्ड होता है, तो कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे काम को कर सकता है ना, अलॉन्ग साइड अदर बिजनेसेस, राइट। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेस्क दैट वन मे रेंट, है ना। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कितने नंबर ऑफ डेस्क आप अपने पास चाहते हो, आप जितना रेंट पे करोगे आप उतने नंबर ऑफ डेस्क आप ले सकते हो। इट इज कॉमन अमंग स्टार्टअप्स एंड स्मॉल कंपनीज विच नीड अ वर्क स्पेस फॉर अ इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो ये उन सारे कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टार्टअप्स हो गए, या फिर उन सारे कंपनीज के लिए जो कि इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेती हैं कोई जगह, जिसमें कोई टाइम पीरियड बाउंडेड नहीं है कि इतने साल के लिए आपको चाहिए। हो सकता है कि ज्यादा के लिए भी चाहिए, हो सकता है बीच में ही आपका बंद भी हो जाए। तो ये स्मॉल कंपनीज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, राइट। मेनी ऑफ दीज मे हैव यूनिक फीचर्स लाइक रूफ टेरेसेस एंड चिल आउट जोन, है ना। अब ये जो को वर्किंग ऑफिस है, यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर में आपके रूफ टेरेसेस भी हो और चिल आउट जोन भी हो, जहाँ पे आप जाकर के चिल कर सकते हो, सुट्टा उट्टा आपने मार लिया, उस तरह की चीजें भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है को वर्किंग ऑफिस में। अगला है कॉन्टिजियस ऑफिस। नाम से पता चल रहा है कॉन्टिजियस, तो यहाँ पे एक इलाके की बात की जा रही है एक तरीके से। सो कॉन्टिन्यूस ऑफिसेस आर यूजुअली रेंटेड टू अ सिंगल टेनेंट, है ना, किसी एक बंदे को दिया जाता है भाड़े पे, एंड आर मेड अप ऑफ मल्टीपल बट कंबाइंड सूट्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, है ना। तो यहाँ पे सूट्स मतलब रूम्स की बात की जा रही है एक तरीके से, रूम से भी बड़ा होता है एक्चुअली सूट्स। तो वहां पे उस तरीके से बहुत सी मल्टीपल सूट्स वहां पे होते हैं, सेम बिल्डिंग में होती हैं, तो उसको हम कंटिजियस ऑफिस बोलेंगे। ये जनरली जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे, बड़े बड़े कंपनीज होंगी, उनके ऑफिस इस तरह की होती हैं। छठा नंबर पॉइंट है एग्जीक्यूटिव सूट्स, है ना। तो कॉन्टिजियस का ही एक्सटेंशन हो गया एग्जीक्यूटिव सूट्स, जहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज जो है बहुत ही मस्त होंगी, सारी चीजें अच्छी होंगी, इंटरनेट फैसिलिटी होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज फुल्ली फर्निश्ड एंड सर्विस्ड ऑफिस स्पेस फॉर प्री वायर्ड फॉर फोन, है ना, उस तरह की सारी फैसिलिटी होंगी एंड इंटरनेट सर्विसेज होंगी। इट इज ऑफन सिक्योर्ड एज अ सूट सबलेट विथ फ्लेक्सिबल टर्म्स, है ना। ये सबलेट की तरह से होता है एक तरीके से, आपने भाड़ा दिया फिर उसने किसी और को भाड़ा दिया इस तरीके से करके, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल टर्म्स में होता है, आप पेमेंट मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो या ईयरली कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो ये एक हो गया एग्जीक्यूटिव सूट्स। अगला है एंटरप्राइज सूट्स, और एग्जीक्यूटिव सूट्स सबसे ज्यादा महंगा आता है, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा महंगा नहीं लेकिन बहुत ही महंगा होता है, ठीक है ना। उसके बाद है एंटरप्राइज सूट, तो ये नाम से पता चला कि किसी कंपनी के लिए डेडिकेटेड सूट होगा, है ना, कोई एंटरप्राइज के लिए डेडिकेटेड सूट होगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ मैनेज्ड ऑफिस दैट इज कस्टमाइजेबल टू सूट द नीड्स ऑफ लार्जर टीम्स, समझ रहे हो, यहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये एंटरप्राइज सूट्स हो गया, है ना, तो ज्यादा काम कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ को वर्किंग एंड सर्विस जॉब, अभी एक तरह का को वर्किंग होता है जहाँ पे सब मिलकर के साथ में काम करते हैं, और या फिर तो कोई सर्विस रूम होता है। एंटरप्राइज सूट का इस्तेमाल स्टार्टअप भी करती हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं तब, ठीक है ना। अब सबलेट क्या होता है, सबलेट का मतलब हो गया अ सबलेट ऑफिस अलाउज टू रेंट कन्वेंशनल ऑफिस स्पेस विदाउट टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीस्ट कॉस्ट, है ना। अब सबलेट का मतलब हो गया कि आपने रेंट लिया, आपने फिर किसी और को रेंट दे दिया, तो यहाँ से आपका भी रेंट निकल के आ गया प्लस आपका भी काम हो गया, समझ में आ रहा है। आपने लेट किया, उसने किसी और को लेट कर दिया, सबलेट कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक तरीके से को वर्किंग हो रहा है, साथ में साथ ही साथ आपका खर्च भी यहाँ पे कम पड़ रहा है। द लीड टीनेट हैज परमिशन टू सबलेट देयर ऑफिस, अब जो लीड टीनेट है जिसने शुरू में भाड़े पे लिया था, उसके पास ये परमिशन होती है कि वो चाहे तो किसी और को भी भाड़े पे दे सकता है, उसके पास अगर सफिशियंट स्पेस है तो, ठीक है। दीज ऑफिसेस गिव एन इंडिपेंडेंट फील ऑफ द कमर्शियल लीज, अब ये ऑफिसेस जो है इंडिपेंडेंट फील आपको देती है, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल लीज जो है एक तरीके से पेमेंट करने का झमेला नहीं रहता है, फील ऑफ द कमर्शियल लीज विदाउट बाइंडिंग एनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और लार्जर डिपॉजिट्स, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कोई लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कोई लार्ज डिपॉजिट्स आपको नहीं देने हैं, सस्ते में आप काम को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा आप लोग जो है वो भी काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सबलेट करना है तो आप सबलेट भी कर सकते हो। सो दीज आर द फैसिलिटीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग इन दिस, एंड आई होप कि आपको ये सारे के सारे ऑफिसेज के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।